दोस्तों, अगर आप भी सीआईडी शो देखना पसंद करते हैं और आपको सीआईडी के इंस्पेक्टर पूर्वी यानी कि अंसा सैयद अच्छी लगती है, आपको आप उनको सीआईडी की ब्यूटी क्वीन मानते हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर पूर्वी के सुहागरात के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंस्पेक्टर पूर्वी ने कर ली है शादी, वो मनाने वाली है अपनी सुहागरात। कौन है उनका पति, कौन है उनके हस्बैंड, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्किप मत करिएगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, सीआईडी से रिलेटेड सारी नई जानकारियाँ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें सीआईडी के आने वाले सीजन 2 के बारे में, जिसमें एक एपिसोड ऐसा भी आने वाला है जिसमें इंस्पेक्टर पूर्वी अपना सुहागरात मनाने वाली है, तो दोस्तों पूरा माजरा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इंस्पेक्टर पूर्वी जो है वो एक गुनाहगार को पकड़ने के लिए एक 5-स्टार होटल में जाती है, जहाँ पे वो एक झूठी शादी में बैठती हैं दुल्हन बनकर। ये जो शादी है दोस्तों, ये सीआईडी की टीम ने मिलकर प्लान किया होता है। इंस्पेक्टर पूर्वी उस शादी में शादी कर लेते हैं और सुहागरात मनाने के लिए एक होटल के एक रूम के अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, जो गुनाहगार होता है वो भी इंस्पेक्टर पूर्वी के साथ सुहागरात मनाने के लिए उस होटल के उस कमरे के अंदर घुस जाता है, और सीआईडी की टीम उसी वक्त ही होटल के रूम के अंदर घुसकर उस क्रिमिनल को पकड़ लेती है। वो बोलते हैं दोस्तों, अगर मिलजुल कर प्लान करते हैं तो गुनाहगार जो है वो कितना भी चालाक ही क्यों ना हो, वो आखिर में पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, यही होने वाला है इस एपिसोड में, जिसमें आपको इंस्पेक्टर पूर्वी का सुहागरात देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस एपिसोड को देखने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह ही एक्साइटेड होंगे। तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन से शहर से हैं, कौन से देश से हैं, और आपको सीआईडी देखे हुए कितने साल हो चुका है, मतलब कितने सालों से आप सीआईडी शो को देख रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।